Now, I would like to request our respected Anup sir to say a few words for all of us. Very good morning to honorable chief guests, respected principal sir, visionary teachers and parents, non-teaching staff, and my most precious and energetic students. Today we are gathered here to witness the celebration of India's 75th Independence Day. Independence yani swatantrata, ye shabd स्वयं में अनगिनत बलिदानों और संघर्षों का साक्षी रहा है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के आंदोलन ने पूरे भारत को एक किया और इसे न केवल ब्रिटिश शासन की नींव हिलाई बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश भी दिया कि समस्या चाहे जितनी भी जटिल क्यों ना हो, हमारी दृढ़ निश्चयता, साहस, अहिंसा और प्रेम से उन्हें सुलझाया जा सकता है। सो द ब्रिटिश रूल ऑफ 200 ईयर्स टॉट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इट वॉज इन द कोर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल दैट वी वर प्रोवाइडेड विद 6 फंडामेंटल राइट्स। और हमारे ये मौलिक अधिकार इस बात के सूचक हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। टुडे वी कैन प्राउडली से दैट वी आर फ्री, वी कैन ब्रीथ इन ओपन एयर, we can take our own decisions, we can opt for what is good for us. So let's ask a simple question from ourselves, that what do we mean by independence? So swatantrata ka matlab alag alag vyaktiyon ke liye alag alag ho sakta hai. Agar hum kisi qaidi se swatantrata ka matlab puche to उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब ये हो सकता है कि जेल से आजादी। इसी तरीके से अलग अलग लोगों के लिए स्वतंत्रता का अलग अलग मतलब होता है। तो अगर हम स्वतंत्रता को एक स्टूडेंट के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में स्वतंत्रता से हमारा मतलब नई चीजों को एक्सप्लोर करना, हमेशा कुछ नई चीजों को सीखना और अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना है। तो जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो हमें दूसरा पहलू इसका नहीं भूलना चाहिए जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य है, द फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम सभी अपने अधिकारों के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों को भी पूरा करें तो जैसा हमारे देश के नेतृत्व ने आजादी के समय भारत का सपना देखा था वो सपना हम साकार कर सकते हैं। सो टुडे ऑन द 75th ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेट्स ब्लेस टुगेदर टू मेक our country the most beautiful, peaceful, prosperous and a developed nation. Thank you. Give a big round of applause for our respected Anup sir.